हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स मामले में छिड़ी सियासी जंग अब अंडरवर्ल्ड रिश्ते तक आ गई है। महाराष्ट्र के दो नेताओं ने एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से रिश्ते बनाने के आरोप लगाए हैं। दरअसल यह आरोप प्रत्यारोप की जंग पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान मंत्री नवाब मलिक के बीच छिड़ी है। वही अब इनके बीच एक और नाम, जी हाँ, रियाज भाटी चारों ओर चर्चा में है, जिनका नाम सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। रियाज भाटी के चर्चा में आते ही लोग उनके बारे में जानने के लिए भी काफी उत्सुक हो रहे हैं। अब रियाज भाटी की पत्नी ने भी उस पर रेप और सेक्सुअल रैकेट के आरोप लगाए हैं। वहीं हाल ही में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो शेयर किए। दरअसल रियाज भाटी एक गैंगस्टर है जिसका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से सीधा संबंध है। जी हाँ, इसके ऊपर अपहरण, धोखाधड़ी, वसूली, जमीन हड़पने, गोलीबारी जैसे कई संगीन आरोप हैं। रियाज भाटी को साल 2015 और 2020 में अदालती आदेशों के उल्लंघन करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। दरअसल वह नकली पासपोर्ट की मदद से देश छोड़कर भागने की फिराक में था। बड़े नेताओं के साथ रियाज भाटी की तस्वीरें सामने आने के बाद से अब उसकी पत्नी द्वारा उस पर की गई FIR भी वायरल हो रही है। दरअसल 24 सितंबर 2021 को उसकी पत्नी ने पुलिस थाने में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने अपने पति पर बलात्कार और एक बहुत बड़ा सेक्सुअल रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। वहीं इस FIR में उसकी पत्नी ने क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मुनफ पटेल, हार्दिक पांड्या, पूर्व BCCI अध्यक्ष राजीव शुक्ला और पृथ्वीराज कोठारी का भी जिक्र किया था। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि रियाज भाटी को फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन में जमानत मिल गई थी, फिर देवेंद्र फडणवीस उसके संपर्क में क्यों थे। वहीं नवाब मलिक के आरोप के बाद बीजेपी नेताओं ने भी NCP सुप्रीमो शरद पवार के साथ उसकी फोटो शेयर की हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ भी फोटो शेयर की गई हैं। फिलहाल जांच जारी है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।